सच्चिदानंद रूपाय शोत्पत्यादि हरे तापत्रय वंशाय श्री कृष्णाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नमः चैव नमोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयोये। आज पीपाचुक के समाज भवन में और यहाँ मंदिर में आकर के बहुत अच्छा लगा। यहाँ कल बता रहे थे श्याम जी और आप साथ में बता रहे थे और निवेदन किया था, तो हमने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से तो ऐसे नहीं जाएंगे लेकिन सार्वजनिक स्थल अगर है सामाजिक वो भवन है तो उसमें हम लोग थोड़ा समय निकाल सकते हैं। क्योंकि कथा का रिलेटिव का समय रहता है तो उसके बनस्पाध्याय का समय रहता है तो उस समय हम लोग नहीं देते। लेकिन बहुत आग्रह था और मैं आप सब लोगों के इस प्रयास को बहुत साधुवाद देता हूँ। आज यहाँ आकर के हम लोगों ने देखा तो बहुत प्रसन्नता हुई कि आपको अपने मकान और अपनी निजी पूंजी इकट्ठे करने में तो व्यक्ति अपना समय व्यतीत करता ही है, जीवन तक लगा देता है, लेकिन समाज के लिए आप लोगों ने ये जो सुंदर विचार किया है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप लोगों ने एक सौगात दी है उसके लिए मैं आप समाज के सभी बंधुओं का उन अच्छे विचारकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जहां भी जाते हैं ऐसे कार्य जब समाज के होते हुए देखते हैं उसमें भी जब कोई कार्य उसमें चल रहा होता है जैसे ये यहाँ विद्यालय चल रहा है इकोनॉमी ट्रेडिशनल स्कूल चल रही है और उसमें बच्चे आ रहे हैं पढ़ रहे हैं या देख कर रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर बात है कि आने वाली पीढ़ी को यहाँ से जीवन निर्माण के सूत्र प्राप्त हो रहे हैं। आज हम बच्चे बच्चियों को देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मंदिर का स्थल हो और कोई स्थल हो ऐसी जगह का स्कूल हो तो मुझे एक बार बहुत अच्छी लगती है, प्लस पॉइंट ये हो जाता है। यहाँ भी संस्कृति वातावरण बना हुआ ये भी बहुत अच्छी बात है लेकिन मंदिर के अंदर ये विद्यालय में क्या है मंदिर ही है, वो धार्मिक मंदिर है तो ये विद्या मंदिर है और इन दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। और मैं एक बार और कहा करता हूँ हमारे शरीर में दो बहुत महत्वपूर्ण ऐसे तो सारे हैं लेकिन फिर भी क्या है कि जैसे हाथ है तो हाथ को इधर उधर हो जाए कर जाए तो चल जाता है, पैर भी थोड़ा इधर उधर हो जाए घूम जाए कर जाए तो भी रोग चल रहे कोई बड़ी बात नहीं वो बंद हो गई जब ठीक है। लेकिन दो अंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो है मस्तिष्क और एक है हमारा हाथ है। अगर आदमी कितने फूट रो गए कितने हथों पर चल रहे हैं क्या नहीं हो गए लेकिन मां को काम कर बंद कर देता हूं वो हेड ऑफिस है इन बात को मैं अहम बंद हो जाए मामलों को बंद हो जाए और मां को खराब हो जाए उनकी उनकी भरपा करने लग जाए तो इन लोग क्या भाई फूट रो गए ये अपनी कमरा बंद रखो क्योंकि वो कहते हैं तो मां को सही होना जरूरी है। दूसरा हाथ सही होना जरूरी है, हमारा दिल ठीक होना बहुत जरूरी है क्योंकि भावना और ये सारी चीजें तो दिल से आती है और आज के समय में बहुत जरूरी है। लोग मारे हाथ में बोलता चलता रहे मैं काले मिले ना हम रात के आगे से गए हुए यार दिल बंद हुआ रात भी बंद सब कुछ बंद है कि नहीं, तो दिल की संभालना बहुत जरूरी है। और इस दुनिया के अंदर केवल दिमाग ही दिमाग रहा और दिल की भावनाएं दबा दी गई तब भी जीवन नहीं चलेगा संसार नहीं चलेगा। केवल दिल ही दिल चलाया दिमाग नहीं चलाया तब भी संसार में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इन दोनों की दिशा अच्छी हो ये दोनों सही ट्रैक पे चलते रहे उसके लिए हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में दो चीजों को बहुत महत्व दिया गया। नंबर एक कि हमारा दिल बहुत अच्छा रहे तो उसके लिए टेम्पल है मंदिर आप चाहे लोग बहुत कहते हैं ऐसा लोग रहना है आजकल मंदिर जाने से क्या होता है मंदिर 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 मैं वो उल्टा कहता हूं मैं कहता हूं तुम पूछते हो मंदिर जाने से क्या होता है मैं कहता हूं मंदिर जाने से क्या नहीं होता है। वो बोले क्या नहीं होता महाराज मैंने कहा कि तुम गली के नुक्कड़ पर बाइक पर कार में दुकान पर बाजार में लड़ सकते हो गालियां दे सकते हो एक बेचारा बुशर खींच सको कॉलर खींच सको लेकिन मंदिर है और मुंह के सामने है तो केवल हाथ ही जोड़ोगे तो लड़ोगे। तो कोई पत्रों
माहौल इतना बदल जाता है, हमारी भावनाएं इतनी बदल जाती हैं, तो वो तब तक, लेकिन दिल हमारा उसके साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि हम उसको भगवान कहते हैं। क्या भगवान के सामने